क्या ईरान के तेल संयंत्रों और परमाणु कार्यक्रम पर होगा अटैक? क्या 5 नवंबर से पहले होगा इसराइल का ईरान पर अटैक? ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा इसराइल? नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। इसराइल ईरान जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और ईरान के जवाब पर इसराइल ने साफ कर दिया है कि इसका पलटवार जरूर किया जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि इसराइल क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम और तेल ठिकानों के ऊपर हमला भी करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर इसराइल ऐसा करता है तो ये पलटवार ईरान के साथ साथ पूरे विश्व के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और इसको लेकर अब अमेरिका भी चिंता जता रहा है। जिसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजन्याहू नेतन्याहू के साथ बात की है और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजन्याहू नेतन्याहू ने यह साफ किया है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम और तेल ठिकानों के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान के सैन्य ठिकानों के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार। आपको ये जानकारी दे दें कि इसराइल ईरान पर हमले का प्लान बनाने में जुटा हुआ है और बेंजन्याहू नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इसराइल इस तरह से हमले का प्लान बनाने पर सहमत हुआ है कि इसका अमेरिकी चुनाव या फिर राष्ट्रपति चुनाव जो वहां पर हो रहा है उसको लेकर कोई विपरीत असर पड़ता नजर ना आए। लेकिन सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि अमेरिका ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करने का विरोध इसराइल का आखिर क्यों कर रहा है। दरअसल इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अगर ईरान के तेल ठिकानों के ऊपर हमला किया जाता है तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में इजाफा होना तय है और अमेरिका के अंदर अपने देश के अंदर चुनाव के वक्त ऐसी स्थिति पैदा अमेरिका नहीं करना चाहता जिससे कोई बड़ा नुकसान पूरे विश्व को उठाना पड़े। दरअसल 1 अक्टूबर को इसराइल पर ईरान ने सबसे बड़ा अटैक किया था और ईरान ने 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल के ऊपर हमला किया था जिसको इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। लेकिन जानकारी के मुताबिक कुछ मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में सफल हो गई थी। इस हमले में इसराइल ने बताया था कि इसमें उसका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसराइल ने यह साफ कह दिया था कि इसका जवाब ईरान को जरूर मिलेगा। बहरहाल ये देखना होगा कि इसराइल ईरान इस हमले का जवाब कैसे देता है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका भी इसराइल को नसीहत देता दिखाई दे रहा। उधर ईरान ने ये साफ कर दिया है कि अगर इसराइल पलटवार करता है तो इसका खामियाजा इसराइल को आने वाले वक्त में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान भी साफ तौर पर इसराइल को चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा। अब ये देखना होगा कि इन दोनों देशों की लड़ाई के बीच में विश्व किस तरह से आगे बढ़ता है और अमेरिका की क्या कुछ भूमिका रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। बने रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।